मैम इसने शायद नशा कर रखा है। बुलेट वाले को भी रोकना। हाँ उसको भी रोकूंगा। अरे दिमाग नहीं है, पी के चलते हैं। दारू पी रखी है क्या? दारू पी रखी है? दिखाई नहीं रहा, ट्रैफिक आ रहा है, बीच रोड पे तू चल रहा है। साइड से होके चल ले, चल यहाँ से। पहलवान बनने की जरूरत नहीं है वरना जेल में डाल दूंगा, निकल जा। गाड़ी आ गई। हाँ। शीशा नीचे, शीशा नीचे। विधायक साहब की गाड़ी है। एक सेकंड, विधायक साहब की गाड़ी है तो क्या बगैर बैटरी लगाए चलोगे क्या? विधायक साहब की गाड़ी है तो बगैर बैटरी लगाए चलोगे क्या? खिड़की खोलो। क्या बात होगी मैम? नमस्कार, लाइसेंस दिखाते हैं, रुक जाओ। खिड़की खोलो भाई। अरे ऐसी कैसे खोल रहे हो? अरे गाड़ी की चेकिंग चल रही है, पता नहीं। अरे यू थोड़ी चेकिंग कर रहा है गुरु जी? अरे आराम से कर, बात कर यहाँ पे, साइड में आराम से चेकिंग कर। बात बाद में करूंगा, पहले मेरे को नहीं, मेरे को चेक। मैम देख लो इसको। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो, आप बात करो आराम से। विधायक साहब मेरे से बात करो सर, एक बार दो मिनट आओ, मेरे को ये बताओ क्या दिक्कत होगी। बात आप मेरी सुनो, रोड थोड़ी रोकेंगे, साइड में कर ले। हां साइड में करो गाड़ी को, साइड में करो। हम जाके रोड़ी हैं। मेरी बात सुनो, जितनी भी गाड़ियां आ रही है ना, हम सबके चेक। कोई बात नहीं, करो मना थोड़ी करी। मेरे को पहले यूं बताओ, आप एक तो है ना ऐसे एकदम से क्यों आए भाई? वो मतलब है आपका, आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी तेज थी? अगर मेरे को कुछ हो जाता, गाड़ी स्लिप हो जाती, स्लिपरी रोड है, ऊपर से बारिश आ रही है। ऐसे थोड़ी करते हैं, आपके साथ मारेंगे थोड़ी ना, प्रशासन हो। क्या बात है? और आपको पता नहीं। मैम नमस्कार, मैम गाड़ी की तलाशी दो, आगे ले बात कर लो। सभी गाड़ियों की तलाशी चल रही है, आपको पता है मैम? बात कर रहे हो आप, एक विधायक की गाड़ी को चेक करोगे क्या? मैम क्यों नहीं करेंगे, आप भी तो इंसान है, पहले इंसान हो बाद में विधायक हो। हमारे को जो ड्यूटी दे रखी है ना, हमारे को अपॉइंट किया है, हमारे को किया गया है सिर्फ और सिर्फ चेकिंग के लिए और जनता की सेवा के लिए। नॉर्मल जनता ही करो ना। अरे तो नॉर्मल जनता ही तो हो आप, आपको ना। अरे मैम, मैम मैम ये क्या? हेलो मैडम, आप ना जनता की तरफ से विधायक बने हो और हम ना अपनी मेहनत से पुलिस बने हैं। ये वर्दी ना हमने अपने मेहनत से कमाई है और हम आपकी दी और बदौलत नहीं है और हम बिना मेहनत के ले लेंगे। अच्छा हेलो, जनप्रतिनिधि ऐसे बात नहीं। आप सर, सर जनप्रतिनिधि सर प्लीज तमीज से बात करो सर प्लीज। मैं भी तमीज से ही बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपकी तमीज तो गास्टर ने गई थी, आपने देखा नहीं किस? अरे सुनो, आप तो एक तो इनको चुप कराओ। सरकारी नौकर को इतना बदतमीजी से बात करने का कोई हक नहीं है। मैम क्या आप, मैम क्या आप ऐसे बदतमीजी के साथ हमारे साथ बात कर सकते हो? मैम आपको जनता ने अपॉइंट किया है, जनता ने वोट देकर आपको चुना, वो भी 3 या 5 साल के लिए, और हमारे को हमने हमारी काबिलियत से ये वर्दी को पाया है, ठीक है? और आप सिर्फ हमारा ट्रांसफर करवा सकते हैं, हमारी नौकरी छीन नहीं सकते। छीन सकते हैं भैया, छीन भी लेंगे। आप कुछ हिसाब से तुम बात कर रहे हो ना, छीन भी लेंगे। मैं बात नहीं कर रहा, छीन लेंगे। मैं बात नहीं करता, हिसाब से तुम कर रहे हो ना, बात करो आप, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है मैम? आप है ना, आप विधायक हो, आप विधायक से हट सकते हो, पर हम अपनी नौकरी से नहीं हट सकते। हमारा काम है जनता की देखभाल करना। मैडम पर जनता ये करो ना, मारे क्यों सर हो रहे हो? क्यों हेलो हेलो गाड़ी में कहाँ जा रहे हो? रुको भाई, तुम ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? लाइसेंस है, लाइसेंस ही है, लाइसेंस का है, लाइसेंस ही है, लाइसेंस भी कार्ड, लाइसेंस कार्ड, लाइसेंस। इसको छोड़ो, तो अपने हाथ में तो हम नहीं देते। इसको छोड़ो, ऐसे कैसे पकड़ोगे? डिक्की वो चेक करो, कुछ और भी मिलेगा। डिक्की खोलो, डिक्की खोलो फटाफट, दिखाओ लाइसेंस। कहाँ पीछे हो रहे हो? ये लाइसेंस सर, ये लीजिए। बस हो गया राज जी, यार क्यों जीरो आ रहा है, बताए यार, बताए। मैम ये लीजिए, पकड़िए आप, हमारी सेफ्टी के लिए, विधायक जी की सेफ्टी। लेकिन मैम एक बात बताइए, आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शनों का टाइम चल रहा है, अभी तक आपके इस गनमैन ने अपने हथियार को जमा क्यों नहीं करवाया? मुझे आप इस बात का जवाब दे सकती हैं? क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है? मेरी ड्यूटी है ये, बट आप मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए, हम इसका जमा करवा देंगे। जमा कराने जा रहे थे सर, अब से पहले कहा थे, कितने दिन से आचार संहिता चालू हो चुकी है, अगर मैंने पकड़ लिया तो जमा करवाने जा रहे थे। इलेक्शन है, हम बिजी थे, इलेक्शनों में बिजी काम तो होता है साहब, ऐसे थोड़ा जीतते हैं। आप अपना काम करो मैम प्लीज, तमीज से बात करो मैम प्लीज। ट्राई टू मेक देम बोथ अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, दे आर टेलिंग अ लाई। तमीज सिखाओ अपने बच्चों को। ओके, हम समझ चुके हैं और हम लाइसेंस जमा करवा देंगे। तो जमा करवा देंगे तो मैम अच्छा है। और दूसरी बात मैम, 3 दिन का वक्त मांगा, 3 दिन का वक्त दीजिए, हमें 3 दिन में जमा हो जाएगा। और मैम ठीक है, एक बात और बताइए, ये आपका गनमैन है, ये आपका ड्राइवर है, तो इसका मतलब ये प्रशासन के साथ इतनी बदतमीजी से बात करेंगे क्या? इन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी? नहीं,
इन्होंने कितनी बदतमीजी से बात की, क्या ये पुलिस प्रशासन की इज्जत करते हैं? नहीं, आप खड़े थे, आपने इनको रोका? नहीं मैम, क्या हमारी गलती क्या है? आप हमारे को ये बताओ, हमारा कसूर क्या है? क्या हम पब्लिक को रूल से मुस्तैद करवाते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं, पब्लिक को रूल के बारे में बताते हैं, ट्रैफिक के क्या नियम है, क्या कानून है, तो क्या हमारी गलती है? तुम्हारी गलती है कि तुम बिना सोचे समझे गाड़ी रोक रहे हो। सर आपने भी है ना एकदम से ऐसे आता चुपटी नहीं करनी चाहिए। सर आपको ये कह लेते हैं सर, फिर आपकी स्पीड कितनी तेज थी? सर आपके ऊपर ओवर स्पीडिंग का भी चालान बना सकता हूं। आपके ऊपर थोड़ी चढ़ाते, आप थोड़ी ना चढ़ा रहे थे, हम आराम से रोक लेते हैं। अच्छा से रोक नहीं चढ़ा रहे, आप पब्लिक के ऊपर चढ़ा सकते हो? सर ना हम पब्लिक के ऊपर चढ़ाएंगे ना किसी और चीज पे चढ़ाएंगे, किसी पे नहीं। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ माफी मांग सका कि हमने यह जमा करवा दो, एक गलती है हमारी कि हमने यह जमा नहीं करी, इसके उसके लिए हम मानते हैं माफी, ठीक है। रही बात सीट बेल्ट की, आप कहते हैं बकायदा सीट बेल्ट लगाया करेंगे, पीछे भी लगाया करेंगे, आपने ठीक है, पर सबसे पहले ना अपने ये लाइसेंस जमा करवाओ, ठीक है मैम, इसके रूप में हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। सॉरी मैम, गलती होगी आपसे, अगली बारी आचार संहिता लगते ही बिल्कुल साथ की साथ हम अपना लाइसेंस और ये अपने माफी मांगते हैं, जमा करवा देंगे हथियार को। ये जो आपका ऐसे बात कर रहे हैं ना, ये हक नहीं बनता हमसे बात। आप भी मैडम थोड़ा सुधार कीजिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। आप हमारे उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो। अब हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है, लाइसेंस जमा हो जाएगा, अब हमें जान दीजिए, हथियार हमारा जमा हो जाएगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी जनता से प्यार से बोले, हम भी आप जैसे ही है, ठीक है दोस्तों। ये बात गलत नहीं है, आचार संहिता लागू हो रही है तो ये इनका हक है, ये इसके लिए बोल सकते हैं, एनडीसी जमा करवाने के लिए भी कह सकते हैं, एनडीसी जमा खुद भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, कभी भी आप ये मत सोचिए कि मैं किसी बहुत ज्यादा बड़े अधिकारी के साथ नौकरी करता हूँ, उनका गनमैन हूँ, उनका प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हूँ, उनका ड्राइवर हूँ या कुछ भी, कभी मत सोचिए। आपको अपने नियम और कानून पालन करने ही होंगे, वरना कानून को आपके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा, ठीक है। आपके माता पिता चाहे कितने भी बड़े हैं, धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन आप पैसों से कभी भी कानून की एक भी दफा को खरीद नहीं सकते, क्योंकि अगर पैसे में दम होता ना तो दोस्तों अमीरों को बच्चे एक्सीडेंट में कभी नहीं मरते। बिल्कुल सही कहा, आप सब प्रशासन का ध्यान रखिए, प्रशासन आपका ध्यान रखता है जी। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने हथियार को जमा कराएं और भाई सीट बेल्ट यूज करें और सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। चलो भाई करो भाई गाड़ी ना।